देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने पूरा बेसिक फंडामेंटल और बेसिक्स ड्राइंग और स्केचिंग और टूल्स, यहाँ तक कि काफ़ी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपसे जो है डिस्कस हुआ है कि आपको अपने टूल्स भी जो है कैसे आपको यूज़ करने हैं, टूल्स कौन कौन से होते हैं, देन बेसिक्स आपकी ड्राइंग और स्केचिंग में क्या जो डिफरेंस होता है, देन आपका बेसिक्स फंडामेंटल क्या क्या है। फंडामेंटल में लाइन, टोन, टेक्सचर और फॉर्म, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से आपको जो है ब्रीफ किया गया है। आप सिर्फ ये मानना है कि आप प्लीज इन सभी चीजों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, जिसके चलते आप अगर क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना ही जाना है, तो ये फंडामेंटल आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जो आपके स्किल्स में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप एक नॉर्मल से हटके बहुत अच्छे से फाइन आर्टिस्ट आप बन गए हैं। और जहाँ तक सवाल है, देखिए आप अगर इसमें से भी अगर कुछ कमी या कुछ कमी बेसी अगर इसमें रह गई हैं, तो ये प्रैक्टिकल जो है सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं उस प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए आप कलाभूमि आर्ट्स में आप आ सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है इंडिविजुअल आपको जो है यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें काफ़ी 3-4 months आपको बेसिक फंडामेंटल की ही आपको नॉलेज दी जाती है। उसके बाद फिर आपके जो है फर्दर आगे जो आपके मीडियम्स हैं उसके बारे में आपको जो है ब्रीफिंग मिलता है। अगर आप करियर फिर पेंटोग से अगर आप देखें तो जितना अभी तक आपको ब्रीफ किया गया है, ये सारा का सारा डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और फाइन आर्ट्स, इन सभी का एक नेसेसरी पार्ट है जो आपको फाइन बनाता है, फाइन आर्टिस्ट बनाता है, और आपके फ्रेंड सर्कल से जो कि आपके साथ में कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ऐसे दोस्त हैं जो कि कहीं ना कहीं आपसे ये जरूर डिस्कस करते हैं कि यार जो है मुझसे क्रिएटिव नहीं बन पाता है, या मैं अच्छा ड्रॉ नहीं जो है बना पाता हूँ, कर पाता हूँ। तो आप अगर उनसे हटके अगर आपको आगे कुछ बनना है, कुछ नया बनाना है, कुछ नया क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप फंडामेंटल आप जरूर सीखें, फंडामेंटल ड्राइंग्स आप जरूर सीखें, और इन चीज़ आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें, जिसमें डेली आप जो है स्केचिंग, ड्राइंग्स ये जरूर बनाएं। स्केचिंग मेरा मानना है आप डेली करेंगे, हर रोज करेंगे, तो नए नए उसके अंदर आपको जो है काफ़ी स्किल्स का आपको जो है पता चलेगा, और आपकी क्वालिटीज जो आपने स्टार्टिंग में जो आपने किया, जैसे मैंने आपसे अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग में लाइंस आपकी काफ़ी ब्रेक होंगी, बट करते करते आपके प्रोपोर्शंस आने जो स्टार्ट हो जाएंगे, और उसमें कहीं ना कहीं परफेक्शन बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद आप ड्राइंग्स के अंदर आएँ कि ड्राइंग्स में कहीं ना कहीं आप एक ड्राइंग को अपना प्रोजेक्ट आप जो है बना के चलें, जिसमें अगर मान लीजिए आपने पोर्ट्रेट बनाया है तो पोर्ट्रेट को भी आप टाइम दें, टाइम इतना दें कि वो एक नॉर्मल पोर्ट्रेट से एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बने। ऐसा ही आप स्टिल लाइफ के अंदर, ऐसा ही आप जो है कंपोजिशन के अंदर, ये सारे इतने बड़े जो है टॉपिक्स हैं जिन पे अगर आप टाइम टू टाइम थोड़ा टाइम देकर काफ़ी अच्छे से अगर आप स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप एक क्रिएटिव सेंस की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा आप आने वाले टाइम में अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग्स ये आपके बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसमें आप अगर ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से अगर आप सीखे जाएंगे, और डेली अगर इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस रखेंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ आप अगर इस चीज़ों में ज़्यादा बहुत अच्छे से मेहनत करते जाएंगे, तो आप अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये मेरा पर्सनल मानना है। थैंक यू सो मच।